लास्ट ब्लॉग में एक कमेंट आया था कि आप कौन सा ब्लॉगिंग सेटअप यूज करते हो, तो मैं सिर्फ अगर आपने लास्ट वाला व्लॉग देखा है तो आई होप आपको पसंद आया होगा। एनीवे आज हफ्तों बाद मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और फिलहाल मैं जाऊँगा अपनी साइकिल को लेके। चलो, अभी साइकिल चलाते हुए व्लॉग नहीं कर सकता बिकॉज एक हाथ में मुझे बैट लेना है और एक हाथ में व्लॉग करूँ तो साइकिल चलेगी कैसे बिना पकड़े हुए हैंडल, और वो मैं बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं चला सकता वैसे। और तुमको भी आना है व्लॉग में। ओ हेलो। अच्छा, इन लोगों को ये वाली भाषा समझ में आती है क्या, कुत्तों को? और ऐसे नॉर्मल वाली नहीं आती, कुछ बोलूँगा नहीं समझेगा। अभी देखो कुछ बोल रहा हूँ, ए देखना इधर, देखना इधर, देखना नहीं देख रहा। अब देखो मैं बोलूँगा तो अब थोड़ा बहुत तो ध्यान दिया उसने। आगे वाले टायर में मेरे हवा ना के बराबर है, और ये देखो एक हाथ से कैसे चला रहा हूँ, हैंडल भी पकड़ रखा है और उसी में बैट भी है। हम अभी यहाँ से दो चार बैर तोड़ेंगे, बहुत सारे बैर हैं। ये देखो इतने सारे बैर मैंने तोड़े हुए हैं। अगर इनके स्वाद की बात करूँ मैं तो थोड़ा थोड़ा कड़वा है लेकिन अच्छा लगता है। अभी मुझे अपना टायर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये टायर फट गया और हवा वगैरह सब कुछ निकल गया, ट्यूब भी अंदर का फट गया है। मेरी साइकिल चुपचाप वहाँ पे पीछे खड़ी थी और ये महाशय आए और आके इधर पे घुमा के टायर फाड़ के बोल रहे, अरे इसमें से हवा निकल रहा है सू सू करके, बकलोल इंसान कही के। ये लड़कियों जैसा ये सब क्या है, ये सब क्या है। मेरे भी बाल लंबे और तू भूल रहा है मेरे यहाँ यहाँ तक बाल रहते थे, याद है? अभी उगा के दिखा दे तो मान। हाँ, तो अभी भी मैं वो बाल को उगा सकता हूँ लेकिन मैं इसको ब्लॉक से काट दूंगा क्योंकि मेरी बेइज्जती होगी। अब बेइज्जती क्या है, बाल उगाने में क्या बेइज्जती है, मैं बाल उगा सकता हूँ। अभी मैं साइकिल को ले जा रहा हूँ मैकेनिक के पास, वहाँ पे इसको बनवाया जाएगा पूरी अच्छी तरीके से। अगर वो कलर वगैरह करता रहेगा तो उससे कलर भी करवा लूंगा इसको। मैं सोच रहा हूँ नई साइकिल लेने के लिए, लेकिन फिर एक महीने में एक दिन चलाना होता तो क्या लूँ। साइकिल को पेंट करने की और उसी की तैयारी में ब्लैक कलर लिया मैंने। इनके पास येलो है और कौन कौन सा एंगल, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्राउन है, मतलब सारे कलर्स अवेलेबल हैं। पर मैंने सोचा ब्लैक ऑलरेडी है तो ब्लैक लेते हैं और उसको नई करने की कोशिश करते हैं और ये एक्सपेरिमेंट कैसा होगा। एक्चुअली मैं ये ले रहा हूँ ना अपने वीडियो के लिए स्पेशली, कि एक वीडियो मेरा बन जाएगा भले साइकिल बने। बैट अभी उसी शॉप पे हम भूल गए हैं। मैंगो जूस, आम का रस, पता नहीं ठंडी में कहाँ से लेके आए, केमिकल जोन। हाँ जी, हाँ ये बैट बार बार ना जाने कितनी जगह पे मैं भूला हूँ। और भाई जब उसके वहाँ पे पेंट था लेकिन ऑनलाइन मैं उसे पे नहीं कर सकता था और मेरे पास कैश नहीं था, तो फिर दूसरे शॉप से इसे लिया है। ये नई टायर डाल दिया है यहाँ पे और यहाँ का जो मडगार्ड था उसे निकाल दिया है और अभी कल इसको पेंट करना है। हमारी लजीज सी ये मैगी, देखते हैं अभी इस मैगी का टेस्ट कैसा होता है। आज शाम बहुत ही सही थी, मैंने ब्लॉग नहीं किया। 10:30 बजे के आसपास रात को मैं घर पे जा रहा हूँ। मेरे सुबह की शुरुआत चाय के साथ अक्सर यहीं पे होती है। आज सुबह की प्लानिंग थी वो स्प्रे वाले कलर से साइकिल को कलर करने की और उस पर एक एक्सपेरिमेंट करने की कि वो कैसे दिखता है, और उसमें और भी बहुत सारे चेंजेस करने थे जस्ट फॉर दी वीडियो। मुझे साइकिल में उतना ज़्यादा खास इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए मैं फ्री हूँ तो मैंने सोचा ये एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और थोड़ी बहुत साइकिल चलाने की भी कोशिश की जाएगी। एनीवे ये दिन मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आज का ये प्लान कल के लिए पोस्टपोन हुआ है तो आज कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव तो जरूर करना है। मैं यहाँ अभी गार्डन में आया हुआ था, 15-20 मिनट यहाँ पे चुपचाप आराम से अकेले बैठूंगा, खुद के साथ वक्त स्पेंड करूंगा और उसके बाद यहाँ से निकला जाएगा एक दूसरे काम के लिए। और आप खुद के साथ कभी वक्त स्पेंड करते हैं कि नहीं, लाइक अकेले में कहीं पे बैठ गए अपने आप से बातें कर रहे हो या फिर अपने आप से कुछ सवाल कर रहे हो? एज वी ऑल नो हमारे जीवन में हेल्थ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में हमारे मेंटल हेल्थ की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते थे लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है समहाउ। और मुझे जहाँ तक लगता है जो आपके लव वंस होते हैं, अगर उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, उनका बिहेवियर आपके साथ बहुत बढ़िया है, जो आपके बहुत करीबी है, तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। चाहे जो भी अदर प्रॉब्लम्स आए आप उनसे डील कर सकते हैं इजीली, और थोड़ा स्ट्रेस भी होता है तो वो थोड़े वक्त का होता है फिर चला जाता है। लेकिन जब आपके पार्टनर या फिर कोई लव वंस वगैरह होते हैं, आपके करीबी होते हैं, इनके वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हो रही है ना, मतलब वो काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ होता है जो कि बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है और वो हमेशा आपको स्ट्रेस में रहता है और आपकी खुशियों को आपसे छीन लेता है। एक प्रोजेक्ट मेरे माइंड में काफ़ी वक्त से चल रहा था, मैं सोच रहा था उसके ऊपर थोड़ा काम शुरू करूँ लेकिन वक्त ठीक से मिल नहीं पा रहा था, तो आज मैंने डिसाइड किया कि
एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो उस पर काम शुरू करता हूँ। और देख गाना बंद करना दो सेकंड के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि एटलीस्ट थोड़ा वक्त उसे देते हैं अभी और देखते हैं कि उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं। लास्ट वाला ब्लॉग मेरा अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे देख लो, काफ़ी अच्छा सा ब्लॉग बनाया। अभी एटीएम से मैंने पैसे निकाले तो मेरे कैश निकल गया और जो प्रिंट निकला उस पर लिखा हुआ था ट्रांजेक्शन डिक्लाइन। ऐसा क्यों लिखा हुआ था मुझे नहीं पता, और एक्चुअली मैं प्रिंट नहीं निकालता हूँ, फ़ोन में मैसेज तो आ ही जाता है। इस बार इसलिए निकाला बिकॉज पिछली बार मैंने कई बार से एटीएम अपना ट्राई कर रहा था, वो वर्क नहीं कर रहा था, और फिलहाल अपने आप वो ठीक हो गया। खुद के पुराने वीडियोस भी देख के काफ़ी अच्छा लगता है। लास्ट ब्लॉग में एक कमेंट आया था कि आप कौन सा ब्लॉगिंग सेटअप यूज़ करते हो, तो मैं सिर्फ ये ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ, दैट्स इट। उसकी भी कोई खास आवश्यकता है नहीं, जैसे कि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है ऐसे, और कभी कभार मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो अगर आप एक ब्लॉग चैनल शुरू करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने फ़ोन की आवश्यकता है। अभी इसके साथ बैठ के मैं वीडियो रिलेटेड डिस्कस कर रहा था, तो इसका यही कहना था अभी जैसे कि यहाँ पे एक थंबनेल बना रहा है ये वीडियो का, तो थंबनेल बहुत ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए। एक्चुअली मेरे कंटेंट अच्छे होते हैं वीडियो के अंदर के, लेकिन जो थंबनेल होता है मैं वहीं पे मार खा जाता हूँ। मैं एक बहुत ही सिंपल सा थंबनेल डालता हूँ, क्लिकबेट वगैरह नहीं डालता। क्लिकबेट यानी कि कुछ ऐसा डाल देना थंबनेल कि वो गलत हो और लोग उसको देख के व्यू करें और अंदर कुछ मटेरियल अलग ही निकले, तो ये मैं नहीं डालता। लेकिन एक्चुअली जो मैं चीज़ें करता हूँ उनको भी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बना के अगर मैं थंबनेल डालता हूँ तो लोग ज़्यादा व्यू करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे माइंड में वो सारी चीज़ें आती ही नहीं है कि मैं वैसा डालूँ। चलो तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ खास नहीं रखते हैं, इसी नोट पर इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट सो एवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और क्या बाकी सब बढ़िया है। और लाल वाले बटन को तोड़ देना, नहीं और लेडी जिसने सब्सक्राइब किया है वही इस वीडियो को यहाँ अंत तक देख रहा है, अदरवाइज ऐसे जो लोग पहली बार व्यू किए हैं वो यहाँ तक इस वीडियो को झेल पाए। जय माता दी।